आपके साथ। राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कड़ाई पूर्ण वातावरण में संपन्न हो गई। फुलबाजियों के शर्ट पहनने कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। कई ऐसे परीक्षार्थी बनियान पहनकर ही परीक्षा दिए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ली गई परीक्षा, मोबाइल जैमर भी था लगा हुआ। कस्बा के एमएल आर्या महाविद्यालय में हो हंगामे के बीच कदाचार मुक्त वातावरण में राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस कॉलेज में कुल 800 परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया था, जिनमें से 715 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जबकि 85 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध थे। जिला पुलिस बल के अलावा स्थानीय थाने के पुलिस बल भी परीक्षा केंद्र में मौजूद थी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के दौरान परीक्षार्थियों तथा पुलिस के साथ नोक झोंक भी हुई। परीक्षा केंद्र के अंदर ऐसे ही परीक्षार्थियों को प्रवेश करने की अनुमति मिली जो हाफ शर्ट और चप्पल पहने थे। कई ऐसे परीक्षार्थी जो फुल शर्ट तथा जूते पहनकर परीक्षा केंद्र में आए थे, उन्हें केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इसको लेकर परीक्षार्थियों ने कई बार हंगामा भी मचाए। केंद्र पर मौजूद मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल द्वारा विवाद कर रहे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मोबाइल जैमर भी लगाया गया था, जिससे कदाचार होने की संभावना न रहे। से गौरव की ये रिपोर्ट। एग्जाम में नहीं बैठ पाया उसकी जानकारी नहीं थी क्या? नहीं सर, जानकारी सर 13 मतलब आज भी सर जानकारी जैसे सब कहे कि सर वेबसाइट पे दे दिया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं किया गया है। हम लोग मेन एडमिट कार्ड पे एग्जाम देने आए, एडमिट कार्ड में नहीं था इसलिए नहीं पहुँच पाया। अभी यहाँ पे क्या बोला गया? अभी यहाँ पे बोला गया कि आप जो है शर्ट को खोल करके आ सकते हैं एग्जाम देने के, आप सर नहीं आए तो। सर हम लोग प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट भी करना चाह रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल सर से मिलने नहीं दिया गया हम लोग को। सर शर्ट खोल के एग्जाम जी सर, बहुत सारे भी सर 30% स्टूडेंट सर शर्ट खोल के एग्जाम देने चले गए, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं, ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं है। शर्ट को हमारा चेक कर लिया जाए सर कि हमारा शर्ट में क्या प्रॉब्लम, क्या मामला हुआ है। बीएड का एग्जाम था सर बिहार, इस बार सर नालंदा यूनिवर्सिटी एक कम्बाइंड एग्जाम ले रही है सर, तो इसमें सर हम एग्जाम देने के लिए आए थे सर। तो इसमें सर हम लोग को सर एडमिट कार्ड सर 8 तारीख या 9 तारीख को आ गया सर, तो हम लोगों ने प्रिंट आउट करा लिया सर, और जो भी इंस्ट्रक्शन थे उनको ठीक से पढ़ लिया सर कि क्या है एग्जाम में कैसे जाना है सर। इसमें एक बड़ा फोटो भी सर चिपकाना था, जो कि और सब एग्जाम में नहीं होते, तो हम लोगों ने बड़ा फोटो भी चिपका के लाया था। तो एग्जाम सेंटर पर जब पहुँचे तो हम लोग को शर्ट उतारने के लिए बोला गया सर, हाफ शर्ट पहन के अलावा। तो हम लोगों ने फिर से वेबसाइट चेक किया, तो 13 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें कि मेंशन किया हुआ था कि हाफ शर्ट पहन के आना है। तो हम लोग सर गलती से बाय मिस्टेक सर नेट की सुविधा नहीं होने के कारण हम लोग नहीं दे पाए, मतलब नहीं पढ़ पाए सर। तो हम चाहते हैं सर कि ये एग्ज़ाम जो हमारा दो कैंडिडेट का छूटा है सर, उसको फिर अगले डेट में उसको ट्रांसफ़र किया जाए, या आज ही के दिन सेकंड शिफ्ट में या 7 दिन के बाद सर हमारा एग्जाम लिया जाए। सिर्फ शर्ट के कारण सर हमारा एग्जाम छूट गया सर, हम लोग बहुत दिन तैयारी कर रहे थे, तो ये सर अच्छा नहीं है सर। मतलब अगर कोई बच्चा गलती करता है सर तो उसे डांटती है सर, थोड़ा सर पुचकारी सर, ये नहीं कि सर उसे कठिन सजा दिया जाए सर। हमारा यही अनुरोध है कि हमारा एग्जाम फिर से लिया जाए सर।